माय डियर लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ, टुडे वी विल डिस्कस स्फीयर। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, उसी का पोर्शन है इसके जस्ट पहले, है ना। हम लोगों ने फिनिश किया है सिलेंडर, उसके बाद ये राइट सर्कुलर कोन, है ना, राइट सर्कुलर कोन। लेकिन ये पढ़ना है हम लोगों को, इसमें ये जो पोर्शन है आवर, ये स्फीयर, स्फेरिकल स्फीयर एंड हेवी स्फीयर, गुड। तो टुडे वी विल डिस्कस ऑन ए स्फीयर, वी सी आवर सराउंडिंग मेनी ऑब्जेक्ट्स लाइक फुटबॉल, वॉलीबॉल एंड सो ऑन, ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्फीयर। स्फीयर जैसा कि फिगर में भी देखे, हम लोगों के सामने बॉल भी होगा, क्रिकेट बॉल है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, जितने प्रकार का ये बॉल है, ये सभी जो है वह स्फीयर शेप का, स्फीयर का एग्जांपल। तो यह ऑब्जेक्ट हम लोगों के सामने भी है, या इस तरीके का, या स्फीयर। अब यह है, इसमें हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं, अगर हम लोगों के पास कोई सर्कुलर, इस फिगर को कैसे जनरेट करते हैं, कैसे आप ट्रेन करते हैं, सर्कल है, सर्कल का भी कंसेप्ट है हम लोगों को, सर्कल है, सर्कल का सेंटर भी होता है, वी नो एब्सोल्यूट के सेंटर, ये सर्कल है, इस सर्कल को, यह जो सेंटर है इसमें, यह क्या है, डायमीटर है, डायमीटर के अलोंग ये रिवॉल्व कर देते हैं ये सर्कल को, सर्कुलर शीट अगर होगा, पेपर ऐसा कटिंग करेंगे, इसमें कोई भी डायमीटर, कहीं से भी ये डायमीटर होगा, उसके अलोंग हम रोटेट करेंगे तो जो फिगर जनरेट होगा वही स्फीयर है। बॉल तो आपने देखा ही, बॉल का कंसेप्ट आ गया, इमेजिन किया आपने, बॉल है, फुटबॉल है, जितने प्रकार का बॉल खेलते हैं, क्रिकेट बॉल है, वॉलीबॉल है, टेनिस बॉल है, ये सभी जो है वह लाइक अ स्फीयर है, गुड। अब उस स्फीयर में आप देखें, उस स्फीयर का सेंटर क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा, है ना। तो बताया गया कि जो सर्कुलर या सीट है, इस सीट को डायमीटर के अलोंग रोटेट करते हैं आप, तो जो फिगर जनरेट होता है वही है स्फीयर। अब यह जो सर्कुलर सीट है, इसका जो सेंटर होगा वह इस स्फीयर का, इस स्फीयर का सेंटर होगा, और ये सर्कल है, यह जो सेंटर है
स्फीयर का सेंटर होगा एंड इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वह स्फीयर का रेडियस भी होगा। जनरली हम लोग रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, याद है? तो यह स्फीयर में ओनली वन टर्म है, ओनली रेडियस है ना। इसको रोटेट कर दिया, आप ऐसे रोटेट करें तो यह ऑब्टेन होगा स्फीयर। सेंटर क्या हुआ, तो जिस सर्कल का हमने रोटेट किया है स्फीयर जो मिला है वह सेंटर होगा, इसका सेंटर हुआ, सेंटर हो जाएगा, और जितना इसका रेडियस है वही स्फीयर का रेडियस हो गया। तो इस तरीके से इफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर बी आर यूनिट्स देन वॉल्यूम सरफेस एरिया, ये पढ़ना है। गुड, तो फर्स्ट हेमी स्फीयर का इफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर बी आर यूनिट देन वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इक्वल टू 4/3 πr³ क्यूबिक यूनिट्स। गुड, वन फॉर्मूला हो गया स्फीयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। सेकेंड है सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, हियर सरफेस सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर 4πr² यह स्क्वायर यूनिट्स। सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया, यह भी ध्यान रखना है कि स्फीयर है तो स्फीयर में ओनली वन सरफेस होता है, स्फीयर है ओनली वन सरफेस। सो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया बोथ आर इक्वल इन केस ऑफ स्फीयर। गुड, स्फीयर है इसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों क्या है, सेम है, एक ही। तो वल्ली टू फॉर्मूला ये होगा इन केस ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। इसमें दोनों का एप्लीकेशन हमको होगा, जैसे लाइक आप देखते हैं आटा गुथा हुआ रहता है उसे एक स्टोर करके आप गुथा के रखते हैं, पुनः उसे कई छोटे छोटे है ना स्फीयर बनाते हैं, तो कितना बनेगा अगर एक का रेडियस दिया हुआ है, एक का वॉल्यूम दिया हुआ है, टोटल का वॉल्यूम मालूम है, तो नंबर ऑफ ऐसा ये निकालने में उसका एप्लीकेशन ये आएगा। ये आयरन है, आयरन को मेल्ट करके इसे ठीक है रेडियस स्मॉल ये बनाना है, स्मॉल रेडियस का कई बनाना है बॉल, तो उसमें ये एप्लीकेशन होगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है तो सरफेस एरिया में लाइक अ बॉल है, उसको कलरिंग करना है, पेंट करना है, तो उसमें सरफेस एरिया इसका यूज हो, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस होंगे। तो यह स्फीयर है, ध्यान आ गया होगा, रिसीव एन ऑब्जेक्ट लाइक अ फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल है ना, ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर का एग्जाम्पल्स ठीक है। दूसरा ये बताया गया कि सर्कुलर ये सीट आप ले ले है ना, आप प्रैक्टिकल फॉर्म में ऐसा करके देख सकते हैं, पेपर ये है, पेपर किसी रेडियस का आप सर्कुलर ये ले, उसको डायमीटर के किसी भी, आप इसमें बहुत सारे डायमीटर होंगे, मेनी डायमीटर, उस डायमीटर के लॉन्ग इसको रिवॉल्व करें
तो जो फिगर जनरेट होगा वह है स्फीयर, और यह सर्कुलर शीट जो है सेंटर जो होगा वह सेंटर होगा स्फीयर का, एंड इसका जो रेडियस होगा वह रेडियस होगा। थैंक यू। तो ये दो फॉर्मूला इसमें ये रिमेंबर करना है। दूसरा इसमें देखना है हम लोगों को, यह तो स्फीयर आ गया, अब ये वाकई फुटबॉल और वॉलीबॉल की जो बात हो रही है, तो इसमें आप कहेंगे वो सॉलिड नहीं है, है ना? आप तो कॉस्को क्रिकेट में भी ड्यूज बॉल ये कार्केट बॉल यूज होता था तो वो सॉलिड होता था। अभी जो बॉल यूज करते हैं आप कॉस्को करते हैं, वह भी क्या है, हॉलो है। तो ये हॉलो एस्फेरिकल जो होगा, आप एस्फेरिकल सेल, अब इसमें बात करेंगे स्फीयर में पोर्शन हमारा होगा यह है स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल कैसा होगा, लाइक जो फुटबॉल आप देख रहे हैं, आप ध्यान दें फुटबॉल में आप एयर उसको टाइट करने के लिए एयर फील करते हैं, करते हैं ना, तभी जा करके वह इस शेप में आता है। अदरवाइज एयर आप रिलीज कर दें, है ना, इसको वैक्यूम ये कर दें तो यह इस शेप में नहीं रहा, है ना। इस तरीके से आप देखें स्फेरिकल सेल है तो फुटबॉल, फुटबॉल क्या है, उसके अंदर जो है एयर होता है, इसमें एयर होगा, ये जो ये होगा इसमें एयर होगा, इसका जो रेडियस होगा ध्यान दें वह दो होगा, एक एक्सटर्नल रेडियस होगा एक इंटरनल रेडियस होगा। यहां इससे भी आप समझ सकते हैं पहले कि टू सर्कल्स हैं, टू सर्कल्स हैविंग अ सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस, है ना, इसका जो रेडियस है वो डिफरेंट है। वन ये डिनोट हो रहा है स्मॉल आर, दैट इज अ इंटरनल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस ये कैपिटल आर। तो इसमें जो स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल यह जो है वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल मींस, या वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल जो होगा वह क्या होगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, इस तरीके से इसका वॉल्यूम ये निकलेगा, है। तो स्फेरिकल सेल का हम लोग ये कंसेप्ट ये समझ रहे हैं, इसमें वॉली यह वॉल्यूम ऐसा आता है, इसको मेल्ट करेंगे वॉल्यूम ऑफ मेटल, इस तरीके से अगर मेटल का बना है तो उसका मेटल का वॉल्यूम क्या होगा, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम जो होगा उसका जो डिफरेंस निकालेंगे वही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होगा, वॉल्यूम ऑफ मेटल्स होगा, उसमें जो भी मेटल्स हो। तो एस्फेरिकल सेल में क्या है, इफ एक्सटर्नल रेडियस इक्वल टू कैपिटल आर यूनिट एंड इंटरनल रेडियस इक्वल टू स्मॉल आर यूनिट, देन वॉल्यूम ऑफ
स्फेरिकल सेल दैट इज अ, अब ये मेटल्स का बना हो, प्लास्टिक का बना हो, और भी कुछ का बना हो सकता है, तो वॉल्यूम ऑफ ये मेटल्स उस सेंस में इसका यूज होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल इक्वल टू एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम का जो स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 बाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 बाई स्मॉल आर क्यूब या क्यूबिक यूनिट्स। दिस मस्ट बी इक्वल टू 4/3 पाई, ये कॉमन है, वी कैन राइट 4/3 पाई टाइम्स कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब या क्यूबिक यूनिट्स। इसका इस्तेमाल करें, ओनली वन फार्मूला है, ओनली वॉल्यूम फाइंड करें। कौन सा केस है, तो स्फेरिकल सेल का हॉलो स्फीयर कह सकते हैं, हॉलो स्फीयर खोखला सॉलिड्स नहीं है, है ना। तो सॉलिड्स ये 4/3 पाई आर क्यूब, ये सॉलिड्स का हो जाएगा, ये हॉलो ये इतना ये माइनस हो जाएगा, तो स्फेरिकल सेल का ये निकले। गुड, इसी तरीके का थर्ड जो इसमें पोर्शन पढ़ना है वह है हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर, स्फीयर एंड हेमी स्फीयर, हेमी हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर क्या है, तो हाफ ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर है सपोज कर लीजिए, अभी हम लोगों ने ये कंसेप्ट ले रखा था, ये स्फीयर इसको समझा यार, स्फीयर है ना, इस स्फीयर को थ्रू अ सेंटर डिवाइड कर दें, सेंटर डिवाइड्स इंटू टू पार्ट्स, स्फीयर डिवाइड्स थ्रू अ सेंटर इंटू टू पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड हेमिस्फीयर, है ना। इसमें एक बिलो ये पार्ट हो गया, एक एवर पार्ट हो गया, या क्या होगा हेमिस्फीयर, है ना। लाइक अब ये फिगर देख लेंगे हम लोग, हेमिस्फीयर इस फॉर्म का, यहां हेमी स्फीयर ऐसा ही मिल जाएगा, है ना। सॉलिड्स की बात कर रहे हैं अभी, ये सॉलिड्स है या हेमी स्फीयर, सिमिलरली इसका रेडियस आर है या रेडियस है, ओनली वन टर्म है, थ्रू अ सेंटर ये डिवाइड किया जा रहा है इनटू टू पार्ट्स, वी ऑब्टेन्ड अ हेमी स्फीयर। ऐसे हॉलो का कंसेप्ट हमारे सामने जो है वो वैसा इंटेंसिल रहता है, है? जिसको आप कटोरा ऐसा कर सकते हैं उस शेप में, तो वह हॉलो होता है, बट वो हॉलो है, इसके बाद ये डिस्कस करेंगे हम लोग हॉलो। अभी सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो अभी आपके सामने ऐसा ये खरबूज तरबूजा ऐसा आता है, उसको ठीक हाथ ये डिवाइड कर देंगे, तो वह करीब करीब जो हेमिस्फीयर शेप का मिल जाएगा, उसे कैसे पाएगा। अब देखिए ये जो अब एबब या जो पार्ट है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है ना, तो इसमें वॉल्यूम इफ रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इक्वल टू आर यूनिट्स, देन
वैल्यू ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ स्फीयर, लिख रहे हैं ना, कट किया इनटू टू पार्ट्स, हाफ ऑफ स्फीयर, सो वॉल्यूम्स भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इफ रेडियस आर यहां भी है, इसको कट किया इनटू टू पार्ट्स, तो हाफ ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, 4/3 πr³, उसका हाफ करेंगे 1/2, तो क्या ऑब्टेन होगा, 2/3 πr³ या क्यूबिक यूनिट्स, 2/3 πr³, ये वॉल्यूम्स, वॉल्यूम ऑफ है हेमीस्फीयर। अब देखिए इसमें कर्व सरफेस भी होता है, तो ये कर्व सरफेस और टोटल सरफेस डिफरेंस है। स्फीयर के केस में कर्व सरफेस एंड टोटल सरफेस जो है बोथ आर इक्वल है, बट इन केस ऑफ हेमीस्फीयर हियर वी सी सरफेस, वन सरफेस ये कट किया दिस, ये कर्व सरफेस और अपर सरफेस जो सर्कुलर ये मिला है ना, जैसा कि हमने बताया कि अभी बाजार में तरबूजा है, तरबूजा आप योग कर रहे हो, उसको कट कर रहे हैं, तो ये सर्कुलर यह है, तो सर्कुलर है, वन फेस यह भी होगा। तो इस तरीके से कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर इक्वल टू हाफ ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका हाफ हो जाएगा, वहां 4πr² है, दैट मीन्स 2πr² यूनिट्स। अभी हम लोग पढ़ा स्फीयर में 4πr² सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यहां क्या हो जाएगा, हाफ 2πr² यूनिट्स, एंड टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप, यहां अबव ये है, अगर इसको उल्टा करके आप लिखेंगे तो एरिया ऑफ बेस हो जाएगा, है ना, यह कंसेप्ट रखना है, एरिया ऑफ टॉप हो गया, ये सर्कल सर्कुलर है, तो कर्व सरफेस एरिया यह 2πr² एंड प्लस πr² यूनिट्स, दिस मस्ट बी इक्वल टू 3πr² यूनिट्स। तो हेमीस्फीयर केस में कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया यह डिफरेंट, ठीक है, तो प्लीज कीप इन योर माइंड एंड इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज करना है। अब इसमें भी हम क्वेश्चन, ऐसा तो हमारा सिलेबस यहीं तक ये है, लेकिन इसके कंसर्निंग ये क्वेश्चन रहेगा कि हेमी स्फीयर जो है यह भी हॉलो, ठीक, तो वहां भी जैसे ये वॉल्यूम निकाल रहे हैं, स्फीयर के केस में डिफरेंस था, स्फेरिकल सेल वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल था, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, सेम हेमीस्फीयर ऐसा केस रहेगा, तो यहां भी वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल हो जाएगा, ठीक है, और ये कर्व सरफेस एरिया जो रहेगा एक्सटर्नल इंटरनल कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, अब प्लस टोटल ये रहेगा तो ये डिफरेंट होगा, है ना, ऐसा भी ये प्रॉब्लम्स हमको रहेंगे, इसे ये पढ़ना भी। इस तरीके से अब ये अपेक्षा है कितना जो फॉर्मूला है, अभी इसमें वनली वन जितने फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr² स्फेरिकल सेल आया
उसमें एक ही फार्मूला हमने पढ़ा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू क्यूबिक यूनिट्स। दैट मींस उसको इस कंसेप्ट में याद रखना है कि एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। गुड। हेमिस्फीयर, इफ हेमिस्फीयर इफ रेडियस बी आर यूनिट्स देन वॉल्यूम्स 2/3 पाई आर क्यू यानी हाफ ऑफ स्फीयर। कर्व सरफेस एरिया हाफ ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 2πr² यूनिट्स एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेवी स्फीयर 3πr² यूनिट्स। इतना ये फॉर्मूला है, इसको अच्छी तरीके से हमें लर्न करना है ताकि इसके बाद जो प्रॉब्लम्स होंगे प्रॉब्लम्स बनाने में हमें सुविधा होगी। ध्यान देना है यहां ओनली वन टर्म्स है, ओनली रेडियस। जैसे सर्कल साफ पढ़ते हैं तो सर्कल में ओनली रेडियस होता है, रेडियस डायमीटर दोनों तो सेम ही है ना, डायमीटर का हाफ रेडियस है, दोनों रिलेटेड है। तो उसी तरीके से इसमें जितने ये फॉर्मूला अभी पढ़ा ओनली वन टर्म है इसमें रेडियस, हो सकता है कहीं डायमीटर के केस में डायमीटर भी गिवन हो सकता है। तो पहले जो क्वेश्चन होगा वह फंडामेंटल क्वेश्चन होगा, ओनली फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में आज इतना ही, पहले आप अच्छी तरीके से इन फार्मूला को लर्न कर लीजिए क्योंकि यार नेक्स्ट क्लास में भी यह पोर्शन आने वाला है। यहाँ सिंपल्स क्वेश्चन है, बेसिक्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में जो यानी हायर क्लास में जो पढ़ेंगे 10th क्लास में, तो वहां हमें इसका एप्लीकेशन होगा, कंबाइंड फॉर्म में होगा, कॉम्बिनेशन होगा एक साथ कई प्रकार के सॉल्यूशन। तो यहाँ अच्छी तरीके से हम लर्न कर लें। आज इतना ही, थैंक यू।